जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। सो आज फिर से मैं आपके सामने एक नया मॉक पेपर आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और मॉक पेपर बिल्कुल नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेगा। जो अभी आपका हमीरपुर एआरओ का एग्ज़ाम हुआ है, वही आपका आज का ये मॉक एग्ज़ाम रहेगा। इसमें हमीरपुर एआरओ, हिसार और बेंगलुरु के जो आपके क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस टाइप का आपका पैटर्न यहाँ पे पूछा गया था, कौन सा सेक्शन आपका टफ था, कौन सा इजी था, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कल आपका जो है वो पालमपुर एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। सो आप इसको एक पॉजिटिव वे में एग्ज़ाम को आप दें, और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप पालमपुर एआरओ के हैं या फिर जो जिनका सेंटर का एग्ज़ाम है, जैक है या फिर अदर सेंटर है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव वे से आप अपना एग्ज़ाम यहाँ पर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए, और जो आपके क्वेश्चन हमीरपुर एआरओ, हिसार और बेंगलुरु में जो आपके पूछे गए थे, उन्हीं को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए रहे हैं, और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद शांति योजना पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आपसे यहाँ पे ये जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो ताशकंद शांति योजना पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो एक यहाँ पे घोषणा हुई थी, ताशकंद शांति घोषणा हम इसको बोलते हैं, पीस डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर एक घोषणा की गई थी, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी। तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, 1966। तो बाइलैंग्वल आपके क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो जी के यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन वन जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, और क्वेश्चन टू जो है वो काफ़ी इजी पूछा गया है। तो सबसे बड़े पक्षी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो रहेगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी जो है ये इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोला था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है, मतलब कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फीचर नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज थी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संघ संसदीय सरकार, संघीय सरकार, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जो इसका राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, ये भारतीय संविधान का जो है वो एक फंडामेंटल जो आप फीचर बोल सकते हैं वो नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बाइलैंग्वल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखे गए हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपको इजी लगता है उसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, ये थोड़ा सा लेटेस्ट आप बोल सकते हैं, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे हमीरपुर एआरओ में पूछा गया था। क्वेश्चन है आपके पास, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से वेनेजुला के लिए रिमोट सेसिंग VRSS-2 उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है? तो अभी गोबी जो रेगिस्तान है वहां से जो है वो VRSS-2 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये किस देश ने जो है वो लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चीन, जापान, सिंगापुर या फिर भारत। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर आपका रहेगा चीन, चाइना ने जो है ये काम किया है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा गया था, और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, कांचीपुरम एक बार की राजधानी थी, तो कांचीपुरम जो है वो कहाँ की राजधानी जो है वो एक बार रही है, चोल, पांड्य, पल्लव या फिर चेरा की? तो इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसका राइट आंसर आपका रहेगा पल्लव की। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा, पल्लव की जो है वो एक बार की राजधानी कांचीपुरम रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पेसमेकर का संबंध पूछा गया है, कि पेसमेकर का संबंध किससे है। काफी इजी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये इजी है।
और इससे पिछले जो आपके क्वेश्चन थे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की या क्वेश्चन वन की, वो जो हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आर्मी एग्जाम के लिए यहाँ तक अभी तक मेरे अकॉर्डिंग जो है वो पूछा गया है, क्योंकि हर बार आपके क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट की फॉर्म में आते हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर का भी यहाँ पे डाला है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स था आपके पास, किडनी, दिमाग, कान या फिर हृदय। तो पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से हम जानते हैं, मतलब कि हृदय जो है ये इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो है वो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है वो ऑप्शन है डी, हार्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, तट रेखा नहीं है, मतलब कि समुद्र के आसपास वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो समुद्र के आसपास है, उड़ीसा समुद्र के आसपास है, आंध्र प्रदेश भी समुद्र के आसपास है, लेकिन हरियाणा मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया हमारा रहता है वहां पे कोई भी तट रेखा हमारी नहीं बनती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट की हम यहाँ पे बात करेंगे, सूक्ष्म वन का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, जिसने माइक्रो फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे बनाया है, तो कौन सा इसका राइट आंसर आपका रहेगा। तो इसका राइट आंसर है, सूक्ष्म वन निर्माण करने का पहला राज्य जो बना है वो है छत्तीसगढ़, और जिसकी राजधानी है रायपुर। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, तो करंट अफेयर के आपको चांस है कि पालमपुर यारों में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफी एनालिसिस जो है वो हमने यहाँ पे किया है, जीके के जो आपके 15 के 15 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो 2 से 3 जो है वो आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्टैटिक जीके के आएंगे, टू द पॉइंट जो आपका जीके है, जैसे अभी सबसे बड़ा पक्षी पूछ लिया था, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लेंगे अंडों का कटोरा किस चीज को कहते हैं, या किसी राज्य की राजधानी पूछ सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्टैटिक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, मतलब कि जो क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता है उस लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पे फिर से, क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मतलब कि इनकी पहली राजधानी क्या रही थी। तो ये काफी बार हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 9th का जो आपका आंसर रहेगा वो है राजगृह जो है वो ये मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो है, जो इनकी कैपिटल थी वो ये रही थी। तो राजगृह जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं, किस देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। अच्छा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री जो थी उनका नाम क्या था। तो काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, तो यहाँ पे भंडार नाइके जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ये श्रीलंका के रहने वाले थी। तो ये जो है ये पूरी दुनिया की पहली प्रधानमंत्री जो है वो रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इससे पहले मैं बात करूं, आपको शायद पता होगा अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये आपको पता होगा, बिहू नृत्य, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि ये किस राज्य से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो काफी अच्छे ढंग से हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, साथ साथ में आपको आंसर जरूर करने हैं, खुद को चेक करना है कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, जिसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11th बोला। आप कमेंट जरूर करें, फिर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, उसके बाद ही मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप खुद को चेक करें कि क्या आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। और लास्ट में आप अपनी खुद रिपोर्ट बनाएं, क्योंकि आज आपका लास्ट डे है, क्योंकि कल आपका एग्जाम होने वाला है पालमपुर यारों का, या फिर जो अदर सेंटर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी, अगर आप इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको इसके पैटर्न का जो है वो आइडिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, आपको बोला है औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश कौन सा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो है वो गुजरने वाला
पहला देश कौन सा था? रेवोल्यूशन आपको पता है, जिसको हम क्रांति बोलते हैं, दूध क्रांति, हरित क्रांति, सफेद क्रांति, नीली क्रांति, ये आप सभी ने सुना है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन कुछ नए तरीके से पूछा गया है। इंडस्ट्रियल क्रांति जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ब्रिटेन में, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल जो है वो गवर्नर की होनी चाहिए, तभी उस उनको जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि भारत के वर्तमान के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, फ्लाइंग शटल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, साइंस से भी आप इसको बोल सकते हैं। तो फ्लाई शटल का प्रयोग जो है किस चीज के लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, धुलाई के लिए, सिखाने के लिए, या फिर बुआई के लिए? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, ये आपका एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो फाइबर हैं या रेशे हैं या रेशम के जो धागे हमारे जो बनते हैं, वहां से ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछा गया है। नाइलोन जो है वो इसी चैप्टर का एक पार्ट है। तो फ्लाइंग शटल जो है वो आपका बोला जाता है बुनाई के लिए, जब भी किसी चीज की बुनाई की जाती है वीविंग, तो इसका जो है वो उस प्रोसेस को जो है वो फ्लाई शटल के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या फिर राजीव गांधी? तो आपको यहाँ से मैं एक ट्रिक जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। जय जवान, जवान जो है वो किसको बोला जाता है? आप सभी को पता है, जब आप भर्ती हो जाएंगे, आप छुट्टी काटने के लिए आएंगे घर में, तो आपको क्या बोला जाएगा? जवान, मतलब कि जवान जो है किसको बोला जाता है? एक आर्मी वाले पर्सन को जो है वो जवान बोला जाता है। और आर्मी वाला पर्सन कैसा होना चाहिए, ये आपको पता है, कैसा होना चाहिए? बहादुर होना चाहिए। तो बहादुर से ही आपको क्या याद रखना है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और ये आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, जो कि उस टाइम के हमारे क्या रहे थे, ये आपको बताना है, प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर प्रधानमंत्री रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो है वो हमारे भारत की सबसे हाई एटीट्यूड के ऊपर जो है वो सुरंग बनाई गई है, जो कि हमारे प्यारे हिमाचल में स्थित है, जिसका नाम है अटल सुरंग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा किस शहर का डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था? तो जीके का जो आपका ये सेक्शन है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये जो है वो बनाया गया था, दिल्ली का नक्शा जो है वो उन्होंने बनाया था, एडविन लुटियंस ने। तो जीके के अगर मैं सेक्शन की बात करूं, तो दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पर करंट अफेयर के पूछे गए थे, और 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्टैटिक जीके के पूछे गए थे, मतलब टू द पॉइंट उनका आंसर है, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो हैं वो थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन जो हैं, मतलब कि डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे थे, या फिर आप रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे, तो इसलिए मैं उनको डिफिकल्ट की कैटेगरी में यहाँ पे डालूंगा। तो जीके का सेक्शन आपका इजी था, आप इसमें ज्यादा नहीं तो 12 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे बिल्कुल सही कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे बोला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे जो हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, उस
प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है वो उस चीज को बोला जाता है। तो 16th का ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17th की बात करते हैं, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन या फिर नाइट्रोजन। तो ट्यूबलाइट में जो है वो कौन सी गैस भरी जाती है, वो भरी जाती है नियोन गैस। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नियोन गैस का उपयोग जो है वो ट्यूबलाइट में किया जाता है, और बल्ब में जो है वो आपका आर्गन और नियोन का जो है वो उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में डैश की संख्या के बराबर होती है, मतलब कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश इन इट्स न्यूक्लियस, मतलब कि जितने उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर उसके नाभिक में डैश की संख्या के बराबर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं जैसे सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर आता है, सॉरी एटॉमिक नंबर आता है 11। तो 11 ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 11 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है और उतने ही उसमें प्रोटॉन है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, अब आपके इन ऑप्शन में तो दोनों की दोनों चीजें दी गई हैं, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई है, परमाणु संख्या उसके नाभिक में, मतलब कि उसके वो चीज न्यूक्लियस में होनी चाहिए। तो जब भी मैं अगर एक न्यूक्लियस की बात करता हूं, तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन आते हैं और प्रोटॉन आते हैं, और बाहर जो है वो शेल में, KLMN शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, लेकिन नाभिक के अंदर की बात की गई है, तो नाभिक के अंदर सिर्फ कौन है, प्रोटॉन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सबसे हल्का परमाणु किस तत्व का है, ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। तो जो हमारे फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन, उसी का जो है वो सबसे हल्का क्या है, परमाणु है। इसका सबसे लाइटेस्ट एटम जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है और सबसे हल्की गैस ये हमारी यहाँ पर रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्न में से लंबाई की SI यूनिट क्या है। तो आपके पास यहाँ पे दिया गया है माइक्रोन, सेंटीमीटर, ग्राम या फिर मीटर, मतलब कि लेंथ की SI यूनिट क्या है। तो लेंथ की SI यूनिट हमारी रहती है मीटर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो SI यूनिट जो है वो आपके दो या तीन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, किलोवोट घंटा किसकी इकाई यहाँ पर रहती है। किलोवोट घंटा जो है वो एनर्जी की यूनिट जो है वो यहाँ पे रहती है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जब एक हवाई जहाज उड़ान भरता है तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है हवाई जहाज हमारा रहता है, राइट, वॉटसन, वेनलिस या फिर क्यूरी। तो काफी एडवांस क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया था। तो ये आपकी थ्योरम रहती है बर्नोलीज थ्योरम के ऊपर जो है वो फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन जो है वो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल जो है वो रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ अब मैं यहाँ पर, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, कंप्यूटर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको हम बूट नहीं कर सकते। बूट का मतलब है रीस्टार्ट, आपका एक टाइप का रीस्टार्ट की आप फॉर्मेशन ले सकते हैं। जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, और ऑन होने से लेके जो उसका फर्स्ट इंटरफेस है, मतलब जब तक विंडो ओपन नहीं हो जाती, उसके बीच का जो गैप रहता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं।
तो बूट तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब अगर उसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डालता हूँ, अगर मैं विंडो ही नहीं डालता हूँ, तो फिर मैं उस कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकता, ना तो वो उसका कोई फर्स्ट इंटरफेस शो करेगा। तो मतलब कि अगर मैं उसको बूट नहीं कर सकता, कब नहीं कर सकता, जब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिकतम कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी को पता है कॉमन सा क्वेश्चन है, हीरा जो है, डायमंड, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो जो आप कोक का यूज करते हैं, कोका कोला, इसका स्वाद जो है वो खट्टा आता है, हल्का हल्का, ये किसके कारण आता है? यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यूनिक वे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपका आंवले से रिलेटेड आता है, नींबू से, संतरे से, या फिर सिरके से रिलेटेड, विनेगर से रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनमें ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण उनका स्वाद जो है वो खट्टा है। लेकिन यहाँ पे कोके कोले से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कोका कोला का यहाँ पे क्वेश्चन है 25 का। फोस्फोरिक एसिड जो है, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? तो कंगारू जो है ये पाए जाते हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, संगमरमर किसका कायांत्रित रूप है? तो संगमरमर जो है वो बेसिकली किससे बनता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? मतलब कि जो सबसे ब्लड ले सके, तो ए बी जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव जो है ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ जो है एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, सबसे लेने वाला एक्सेप्टर ए बी और डोनेट करने वाला ब्लड ग्रुप ओ। तो चार टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप यहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, 29th में बोला है वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायु में जो नाइट्रोजन है वो हमारी रहती है 78%, और सबसे ज्यादा रेशियो भी किस गैस की है, नाइट्रोजन की ही है, तो 21% इसमें ऑक्सीजन रहती है, और बाकी जो है वो अदर गैसेज हैं, जिसमें से 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये केमिस्ट्री से पूछा गया था, दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है जब भी मक्खन को निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसमें लगती है, अपकेंद्रीकरण जो है वो उस चीज को हम यहाँ पे कहेंगे। तो साइंस जो है वो ज्यादा टफ नहीं पूछी गई थी, लेवल के अकॉर्डिंग ही आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, क्योंकि इतना लेवल तो आपका जनरल साइंस का होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट नहीं थे, वो थोड़े से डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन कैटेगरी में यहाँ पे ऐड किए गए थे। मैथ के सेक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है 31 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 15 का स्क्वेयर, तो 15 का स्क्वेयर आपका रहेगा 225, ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपसे पूछा है 400 का 25% क्या होगा? तो 425% का मतलब 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400। तो ऑप्शन, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 25 को 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 100, 400 नहीं 100 आएगा, ऑप्शन बी जो है ये इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आपका जो है वो एरिया के चैप्टर से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एरिया के चैप्टर से, किसी आयत की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। मान के चलते हैं ये हमारे पास कोई एक आयत है, डब्बा है, इसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है कितनी, 40 सेंटीमीटर।
तो यहां पे इसका एरिया पूछा गया है, एरिया के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है आपके पास 50 और ब्रेथ आपके पास है 40। 50 को 40 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2000, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करने पे आपके पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 2000 सेंटीमीटर ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। 33 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 34 की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई आपसे पूछी है, हाइपोटेन्यूज की लंबाई यहां से पूछी है आपसे। तो पहले तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हम जिसको बोलते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें बोला है दो भुजाएं, कोई भी आप दो भुजाएं ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना लास्ट में आपसे पूछा है कर्ण, मतलब कि ये जो बिल्कुल टेढ़ी वाली लाइन है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज हम इसको बोलते हैं, तो ये आपसे यहाँ पे पूछी गई है। और इसको आप 3 ले सकते हैं, इसको आप 4 ले सकते हैं। जब भी हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आप यूज करेंगे कौन सी थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम का आप यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच आपको निकालना है, परपेंडिकुलर है आपके पास 3 का स्क्वायर और बेस है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 25। तो आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब आपने जब स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ आप अंडर रूट लगाएंगे, और 25 जो है वो किसका अंडर रूट है, 5 का अंडर रूट यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 16, सबको ऐड करना है तो आपका कितना आंसर यहाँ पे बनेगा ये आपको बताना है। तो 16 और 4 25, 4 29 और 1 ये आपका बनेगा 30। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। आई होप आपको सारे के सारे यहाँ पे जो डाउट हैं वो आपको क्लियर हो रहे हैं। पैटर्न आप देख सकते हैं किस टाइप का आपका हमीरपुर यारो का पैटर्न यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है वो अरेंज किए हैं, क्योंकि इस बार जो है वो आर्मी का पेपर जो है वो बच्चों को नहीं दिया गया था घर के लिए, तो यहाँ पे बच्चों से जानकारी लेके हमने जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है। 5000 का कोई स्कूटर है, उसको 15% के लाभ पे ऊपर बेचते हैं, मतलब कि 5000 का स्कूटर उसके ऊपर 15% का लाभ, मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचेंगे ये आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, 15 को 5 से गुणा करेंगे, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से 750 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे। तो 5000 का स्कूटर है और 750 रुपये आप एक्स्ट्रा कमाएंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे आप, 7, 5, 7, 5, 0, 5750 रुपये। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की यहाँ पे बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ ज़्यादातर परिमाप और एरिया को ही सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 37 थोड़ा सा एडवांस आपका पूछा गया था। बेंगलोर का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और आयत वर्ग से सटा हुआ है, तो आपको बोला है एक कोई वर्ग है जो चारों तरफ से बराबर है, इसकी एक भुजा 6 है, मतलब कि तो सारी की सारी भुजाएं कितनी होंगी, 6 ही होंगी, और इसके साथ कोई एक आयत जोड़ा गया है। आयत की एक भुजा वर्ग की वर्ग से 2 गुनी है, मतलब कि अगर ये 6 है तो इसका क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो ये 12 आ जाएगी। और दूसरी भुजा जो है वो 3 गुनी है, मतलब कि 6 का 3 गुना, ये भुजा कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। अब दोनों के क्षेत्रफल का योग पूछा है, तो पहले जब मैं वर्ग के क्षेत्रफल को निकालता हूँ तो साइड इनटू साइड ये बन गया 36, और जब मैं इस आयत के क्षेत्रफल को निकालता हूँ तो 12 को 18 से जब मैं यहाँ पे गुणा करूँगा
तो ये मेरे पास बन जाएगा 216, 216 और 36 जो है वो मेरे पास बनेंगे 252। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। 37 का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो काफी अच्छा था। इसमें ये फ्री के मार्क्स जो है वो आपके आने थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, 3 से 3 आपका कटना था और राइट आंसर आपके पास 21 ही यहाँ पर रहना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये आपका थोड़ा सा नया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो 99% आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन इस बार जो है वो प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे यूज में लाया गया है। आपको बोला है दो सिक्कों को उछाला जाता है, कम से कम एक चित आना चाहिए, मतलब कि एक हेड आना ही चाहिए। तो मान के चलते हैं ये आपके पास कोई दो सिक्के हैं, जब आप इनको उछालेंगे तो या तो उनमें क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, दो सिक्कों को जब उछाला गया तो यहाँ पे हेड या तो हेड और हेड आ सकता है, या तो हेड और टेल आ सकता है, या तो टेल और हेड, या फिर टेल और टेल। तो यही प्रोबेबिलिटी जो है वो बनती है जब भी दो सिक्कों को उछाला जाता है। तो आप जितनी भी बार उठाएंगे इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। आपको लग कम से कम एक चित आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है और इसमें भी एक हेड आ रहा है, बट इसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा है। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बनी हमारी हेड आने की, वो बनी 3। कितने में से बनी, टोटल पॉसिबिलिटी थी कितनी, 4 थी, जिसमें से 3 में जो है वो हेड आने की संभावना थी। तो 3/4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। आपको बोला है 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, इनमें से 20 वर्ष की आयु वाले एक आदमी के बदल जाने पर नया आदमी लाया जाता है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। मतलब कि 2 वर्ष जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ी कितने आदमियों में, 8 आदमियों में 2 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ी, मतलब कि 16 साल की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई। लेकिन हुई कब, जब 20 साल वाला आयु वाला आदमी जो है वो चला गया और जब नया आदमी आया तो 16 साल जो है वो आयु बढ़ गई। इसका मतलब 20 तो वो पहले ही गया और 16 एक्स्ट्रा बढ़ी, तो वो आदमी कितने का होगा, 36 साल का आदमी होगा। तभी 20 जो है वो रिटर्न में रिवर्स में चली गई और 8 आदमियों में 2-2 वर्ष की जो है वो वृद्धि हुई, मतलब 16 साल की वृद्धि हो गई। तो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी 36। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, और बी जो है वो 60% अधिक कार्य कुशल है। तो इस चीज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, 100 × a/100 ± %, ये इसका फॉर्मूला है। तो 100 एज इट इज लिखा, ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, ये मैंने भर दिया। और नीचे लिखना है 100 ± %। प्लस माइनस का मतलब है अधिक के लिए प्लस करना है और जब कम के लिए बोला जाएगा तो माइनस करना है, और परसेंटेज में वैल्यू दी गई है 60। तो आपके पास ये बनेगा 100 × 24 और नीचे आ जाएगा 160। 1 0 से 1 0 कटेगी, 8 से ये 2 बार कटेगा, 8 से ये 3 बार, 2 से 10 आपका कटेगा 5 बार, और 5 को 3 से करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 15। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो है परसेंटेज से पूछा गया था, किसी कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं, मतलब कि 100% की वैल्यू आपके पास दी गई है, 100% है आपके पास बच्चे 1320, जिसमें से जो बॉयज हैं वो कितने हैं, क्योंकि क्लास में या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे। तो लड़के जो हैं वो 45 हैं, तो लड़कियां कितने प्रतिशत होंगी, फिर ऑटोमेटिकली ये आपको पता होना चाहिए, फिर तो वो लड़कियां 55% होंगी। अब आपको
55% की ही वैल्यू जो है वो पूछी गई है, तो आप 55 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और जब भी आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 726। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, साथ साथ में आप क्वेश्चन यहाँ पे करते रहें, खुद को आप चेक करें कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही बन पा रहे हैं। एक निश्चित राशि 20 वर्ष में दो गुना हो जाती है, मतलब कि आपको ये बोला गया जब आपके पास एक रुपया था तो वो कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब कि एक रुपया तो आपका खुद का था तो ये प्रिंसिपल बन गया, लेकिन जब डबल हो गया, दो रुपये हो गए, तो एक रुपया एक्स्ट्रा आपको किसी ने दिया तभी आपके पास डबल हुए। ये जो एक्स्ट्रा मनी है इस चीज़ को बोला जाता है बैंक के द्वारा दिया गया पैसा, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 1 है, प्रिंसिपल 1 है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको बोला है 20 साल और अपॉन में आएगा 100, SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, 20 से 100 कटेगा 5 और 5 नीचे से जाएगा ऊपर, तो रेट क्या चलेगी, 5% रेट जो है वो होनी चाहिए, तभी आपका जो पैसा है वो 20 साल में कितने गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, एक व्यक्ति ने 2 किलो आटा खरीदा 35 रुपये के हिसाब से, ध्यान में रखना 2 किलो आटा 35 का नहीं है, 2 किलो आटा 35 रुपये पर केजी, पर केजी का मतलब 1 किलो 35 का है तो 2 किलो कितने का आया, 70 का आया। उसके बाद 2 किलो उसने चावल खरीदे 40 रुपये के हिसाब से, तो मतलब कि 40 रुपये के 1 किलो, दूसरे 40 के 2 किलो, 80 रुपये के चावल खरीद लिए। फिर से उसने आटा खरीदा 2 किलो 30 रुपये के हिसाब से, तो 30 का डबल 60, 60 रुपये का उसने आटा फिर से खरीदा, तो उसका कुल खर्चा कितना हुआ, यह आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो जब आप इस चीज़ को ऐड करेंगे तो 6, 18, 19, 20 और 21 210 रुपये जो है वो उसने अपनी तरफ से कुल खर्चा किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ का, क्वेश्चन नंबर 45 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 जो है 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि वो 91 बन जाए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस करके भी कर सकते हैं, इनटू करके भी देख सकते हैं, मतलब कि 13 को मैं किस रकम से गुणा करूँ कि वो कितना बन जाए, 91 बन जाए। तो 13 हमारा नीचे से कहाँ, ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और 13 से 91 कट जाएगा 7 बार। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ पे है आपको सिंबल भरने हैं, 16A, A का मतलब है प्लस, फिर है 14C, C का मतलब है मल्टीप्लाई, उसके बाद है 6D, 6 और D का मतलब है आपके पास डिवाइड, फिर है 3 और B है आपके पास माइनस और फिर है 6। तो पहले आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 16 प्लस 14 इंटू, जब डिवाइड किया तो इंटू 2 आया, माइनस के 6 आए। अब आपके पास आएगा 16 प्लस 14 को 2 से करेंगे 28, माइनस के 6, 16 में से 6 चले गए तो 10 और प्लस के 28, तो 10 और 28 आपके पास कितने हुए, 38। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, 47 में आपको क्या बोला गया है, त्रिकोणमिति का संबंध त्रिकोण से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि क्षेत्रमिति का संबंध किससे है। तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से ट्रायंगल आते हैं, तो मैंसुलेशन से आपका एरिया आता है, तो क्षेत्रफल जो है वो इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा। 47 का ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 48 की बात करते हैं, आपके पास एक पैटर्न दिया गया है, बी सी एफ जी को HILM बोला गया है। तो जब भी आप बी से एच को कंपेयर करेंगे, बी से एच को कंपेयर करते हैं, सी से आई को, एफ से एल को और जी से एम को, तो आप ध्यान से देखेंगे प्लस 6 का पैटर्न जो है वो आपके पास यहाँ पे बन रहा है। तो वैसे ही एन से 6 आगे जब आप जाएंगे
तो ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी वाला जो है वो ऑप्शन आपके पास आना चाहिए। फिर अगले अगला है आपके पास डिजिट ओ, ओ से भी 6 आपने आगे जाना है, पी क्यू आर एस टी यू, तो टी यू आपके पास यहाँ पे बना। उसके आर से 6 आप आगे जाएंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और उसके क्यू से 6 आगे आपने जाना है, तो जब आप क्यू से 6 आगे जाएंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, टी यू एक्स डब्ल्यू, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद लास्ट के आपके दो क्वेश्चन है यहाँ पर, 49th क्वेश्चन है, निम्न में से देखना कौन सा अलग है, देखना आंखें, सुनना कान, जीव स्वाद सूंघना नाक, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि देखती कौन है, आंखें, सुनने का काम किसका है, कान का, सूंघने का काम किसका है, नाक का, लेकिन जीव का काम है तो स्वाद, लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पे जीव स्वाद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्वाद और जीव, मतलब कि जितने भी हमारे ऑर्गन है, जितने भी हमारे यहाँ पे चीजें हैं, हमारी बॉडी पार्ट, वो लास्ट में लिखे गए हैं, आंखें, कान, नाक, लेकिन ऑप्शन सी में जो जीव है वो पहले लिखी गई है, बल्कि ये लास्ट में आनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें आपको पैटर्न यहाँ पे बताना है। तो एन से पहले आप एल में जाएंगे, एन से जब आप एल में जाएंगे तो आपको चेक करना है कितने आप पीछे गए, एन से एल एम और एल, माइनस के 2 आप पीछे गए, फिर एल से जे आप जाएंगे तब भी 2 पीछे जाएंगे, और जे से जब आप 2 पीछे जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एल से जब आप जे गए, हाँ, तो जे से जब आप 2 पीछे जाएंगे तो आपके पास आएगा एच, एच आएगा। फिर वैसे ही आपने पी को क्यू के साथ, क्यू को आर के साथ, आर का अनदर के साथ, एक्स को डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू को वी, वैसे ही पैटर्न चलेगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है, एच वाला, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है, ये आपका हमीरपुर एआरओ का जो है वो आपका एग्जाम यहाँ पे मैंने कराया है, हमीरपुर एआरओ का, साथ में आपके पास यहाँ पे हिसार के क्वेश्चन जो है वो भी मैंने डाले थे, जो आपका हिसार सेंटर है, उसके बाद बेंगलोर के जो है, बेंगलोर सेंटर के जो हैं वो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है, पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पे पेपर करना है। अटेम्प्टिंग की बात करें तो कम से कम आपके जो हैं वो 41 या 42 तक अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका पालमपुर एआरओ में सेलेक्ट होने का जो है वो चांस आपका रहेगा। और सबसे पहले आपको जीके, साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करने हैं, मैथ को सबसे लास्ट में आपको टच करना है, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले 101% आपकी पास श्योरिटी है उन्हीं को आप टच करें, उसके बाद लास्ट में आपको मैथ के सेक्शन के ऊपर जाना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो भी हमारा नेक्स्ट एग्जाम हमारा रहेगा मंडी एआरओ का, उसके लिए भी हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस जो हैं वो रखेंगे। सो आप सभी को कल के लिए जो है वो आपका 13 नवंबर का जो आपका एग्जाम होने वाला है पालमपुर एआरओ का, जो कि ऑल ओवर हिमाचल का सबसे बड़ा एग्जाम है आर्मी अग्निवीर का, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो ऑल द बेस्ट, सभी अपना एग्जाम जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दें। विजयपथ एजुकेशन उन सभी को जो है वो अप्रिशिएट करता है जिन्होंने जो है वो अपनी रनिंग जो है वो निकाली है और एग्जाम के लिए जो है वो वहाँ पे बैठे हैं। तो आप सभी के लिए जो है वो विजयपथ एजुकेशन की तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी अपना एग्जाम जो है वो अच्छे पॉजिटिव वे में यहाँ पे दें, टेंशन आपको नहीं लेनी है, और एग्जाम को जो है वो बिल्कुल आराम से जो है वो आपको सॉल्व वहाँ पे करना है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और लास्ट में फिर से आप सभी के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।